हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने शो में, जहां पर आपको ढेर सारा अवेयरनेस मिलता है, मिलती है उम्मीद, नॉलेज, पॉजिटिविटी, उम्मीद यानी कि होप। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, कैंसर एक वाकई में बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन जितनी सीरियस ये है उससे भी ज्यादा इसे बनाया जाता है सोच के द्वारा। सोच डेवलप होती है कई अलग अलग प्रकार के मिथ्स के द्वारा। जितनी खतरनाक ये बीमारी है, उतना ही खतरनाक इसके प्रति जो हम सोच रखते हैं वो भी है। ये मैं नहीं बल्कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं इसके भी वजह से बहुत ज्यादा पैमाने पर यह मुमकिन है कि कैंसर डेवलप हो सकता है हमारे शरीर में। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सोच क्या होती है, कैसे हम कैंसर को मात दे सकते हैं। फ्रॉम नन अदर देन वेल रिनाउंड पर्सन विच इज विद अस राइट नाउ, ही इज प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना। वेल डॉक्टर अनवर साहब, तहे दिल से आपका मैं स्वागत करती हूँ इस शो में, कैंसर होप में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, वाकई में कैंसर एक बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन जितनी ये है उससे भी ज्यादा इसे बनाई गई है। कैंसर को एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही हमने लेना चाहिए। इसके प्रति जो खौफ हमारे दिलो दिमाग में छा चुका है या डेवलप हो चुका है, इसे हमें तोड़ना बहुत जरूरी है अगर कैंसर को सही मायने में हमें मात देनी है तो। वेल, इसी के लिए तो डॉक्टर अनवर साहब आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो कैंसर के प्रति, तो आप अभी इसी वक्त डॉक्टर अनवर साहब से बात कर सकते हैं। बात करने के लिए कॉलिंग डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, सो कॉल राइट नाउ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कैंसर के मैंने सुना है कि स्टेजेस होती है, जितना मुझे नॉलेज है, और ये भी देखा गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, लास्ट स्टेज पे हो या थर्ड स्टेज पे हो। तो सवाल मेरा ये है कि अर्ली स्टेजेस में अमूमन तौर पर नॉर्मली कैंसर क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाता, इसकी क्या वजह है? पहले ये समझिए कि कैंसर डेवलप कब होता है, कैसे होता है। एक आपके जहन के अंदर जो अलग किस्म से, जो नॉर्मल से हटकर कोई इवेंट हुआ, जो अचानक हुआ, ड्रामेटिक हुआ और इंटेंस हुआ, अगर उस वक्त में अगर आपने समझ लिया अपनी बॉडी को रिएक्शन, जब आप उस वक्त में आप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, दो चार दिन तक नींद नहीं आती, आपको खाना नहीं जाता है, ये इंटेंस सिचुएशन आपका होता है, लेकिन वो टाइम पर आप इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए सबसे समझना ये जरूरी है कि कैंसर पैदा होता है तब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, इमोशनल टर्मोइल होता है जिसे हम कहते हैं, एक सुनामी पैदा होती है हमारे जहन के अंदर, तो उस वक्त में ब्रेन में एक लीजन पैदा होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सेम टाइम। तो साइक मतलब सोच, ब्रेन मतलब जो स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ब्रेन, और तीसरा होता है बॉडी, एट द सेम टाइम इनका कनेक्शन होता है, द साइक, द ब्रेन एंड द बॉडी, ये अलग नहीं है, माइंड एंड बॉडी इज वन। हम लोग हमेशा समझते हैं कि ये अलग है, ये हमारा हाथ है, पैर, वी आर वन, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन एनर्जी। तो जब ये होता है ये लेवल के ऊपर, उस वक्त कैंसर शुरू हो जाता है, लेकिन हम उस सिग्नल को हम सीरियसली लेते नहीं हैं। हम नहीं समझते ये मेरे साथ कुछ अलग से हुआ है, हमको इसको रिजॉल्व कैसे करने का है। अगर वो टाइम आप रिजॉल्व कर लिया तो आपको कैंसर होगा भी, ये भी मैं बोल दूं आपको, लेकिन हम रिजॉल्व नहीं करते, हम मन में रखते रखते फिर कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं जी। वो हमारे कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस में जाता है और फिर बाद में वो तो रहता ही है वहाँ पर, वो शोला जलते रहता है वहाँ पर, और यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है। और जब ये तकलीफ जो देगा आपको, भाई आपका दर्द शुरू हो गया, आपको बुखार आ गई,
आपको पैखाना बराबर नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं हो रहा है, तब लगता है कि आपको मैं बीमार हूँ, कमजोरी हो गई, तब लगता है बीमार। लेकिन बीमारी आपकी तब शुरू नहीं हुई है, तब दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। दिखाई देने लगती है, महसूस तो पहले हो चुकी है, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो हर कोई इवेंट ऐसा होता है, आपके साथ में कोई हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ में, ये अजीबोगरीब अलग हुआ जो नॉर्मल नहीं था। आपको उस वक्त अगर आप टैकल करेंगे तो हो सकता है आपको कैसे डेवलप ही नहीं होगा। तो आपकी जो क्वेश्चन था कि भाई क्यों लेट मालूम पड़ता है, हम गैजेट्स लेके जब जाते हैं, जब हमारा बहुत बढ़ चुका होता है तभी मालूम होगा वो। सिर्फ मतलब सिर्फ ये मरीजों की बात नहीं है, बड़े बड़े जो कैंसर सर्जन्स हुए हैं, जो कैंसर के डॉक्टर्स माहिरीन हुए टॉप के, जिन्होंने रिसर्च किए, उनको भी जब कैंसर मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा कि थर्ड लास्ट स्टेज में। तो ये कॉमन बात है, क्योंकि हम कैंसर को सिर्फ एक फिजिकल इंटरनली हम अवेयर नहीं, हम एक सिर्फ फिजिकल इवेंट जैसा दिखते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ माफ़ी चाहूंगी कि मैं आपको यहाँ पर ही रोक रही हूँ, क्योंकि कॉलर्स अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आज का मैं पहला कॉल लेना चाहूंगी। जी जी। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते, कैंसर होप में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हाँ जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम रेहाना सैयद है। जी रेहाना जी, रेहाना जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेलापुर से बोल रही हूँ, नवी मुंबई से। अच्छा रिहाना जी, अगली आवाज जो आप सुनेगी वो होगी डॉक्टर अनवर साहब की, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती है। अच्छा जी रिहाना जी, फरमाइए। हम तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हाथ में ऐसी शफा देते रहे और हर किसी की मुश्किल आसान होती रहे। रिहाना जी आप बताना चाहेगी कि आपके साथ क्या हुआ था और कैसे डॉक्टर अनवर साहब ने आपकी मदद की? हाँ हाँ मैं बताना चाहती हूँ। अभी 2 साल पहले ना मुझे मेरे पेट की तिल्ली होती है ना, तिल्ली बहुत बढ़ गई थी, तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर जितना भी हम खाते पीते थे तो हमारा खून जो है बनता नहीं था, और जो बनता भी था तो वो तिल्ली पी जाती थी। तो अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने सब सीटी स्कैन निकाले करे, तो पता चला कि इनकी तिल्ली बढ़ गई है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। चलो उसका हमने ऑपरेशन सब करा दिए, वो कामयाब हो गया। लेकिन 1 साल 1.5 साल तक मेरे पेट में जो गैस की प्रॉब्लम हो गई है अभी भी होती है, जबकि वो तिल्ली मेरी 2 किलो की निकली है, तो वो 2 किलो की तिल्ली निकली है, सिर्फ 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो मेरे पेट में फिर भी मतलब जैसे कि हमेशा पेट टाइट रहता था। तो मैं बोली कहीं ऑपरेशन मेरा गलत तो नहीं हो गया, इस वजह से हम उसका फिर से सीटी स्कैन कराए। हमारे डॉक्टर बोले अब करा लो, वो कराए सीटी स्कैन, तो लेकिन वो बोले तुम्हारे पेट में तो सब कुछ सही है, ऑपरेशन तुम्हारा सब कुछ सही है, तुम्हारे को सिर्फ गैस है, लेकिन तुम्हारी एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारे सीने में गांठ है। जी। हाँ तो जब वो गांठ, जब गांठ का सुनी तो मेरी तो नींद चैन हराम हो गई, पता नहीं था मुझे, अभी 6 महीने पहले ये गांठ का पता चला। मैं तो इतना रोती थी कि पूछो मत, मुझे ना भूख लगती थी ना मुझे नींद आती थी, बस यही सोचते रहती थी, ये गलत गलत ख्याल जिन्हें आते थे कि किस चीज की गांठ है, क्या है, कैसा होगा, क्या होगा। तो किसी ने बताया, पता था, हम उनके पास गए, फिर उन्होंने हमको सब देखे करे, सीटी स्कैन में देखे, और मुझे मेरा वजन जो है मेरा 50 किलो हो गया था। जी। जब उनके यहाँ से मेरा इलाज शुरू हुआ है, जो भी उनकी दवा जो भी मुझे चालू की है 6 महीने में, तो दवा से धीरे 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 मुझे आराम हुआ, और मैं अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ। मेरा वजन भी बढ़ गया है, वजन मेरा 50 था तो अभी मेरा 60-64 हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात की है हमारे लोगों को हमारे जो व्यूवर्स है आपकी ये फोन से, उनको हौसला अफजाई होगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाले केसेस सामने आते रहेंगे, तो अगर वो शेयर अगर होगा लोगों में, तो बहुत बड़ा मसला लोगों का जो आज के जमाने का है, वो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिहाना जी, और आपको ढेर सारी बधाई हम सब की ओर से, थैंक यू। वेल दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगी आप सभी से, एक बहुत छोटी सी बात है कि हमारे मोबाइल का जब टॉक टाइम खत्म हो जाता है, या पोस्टपेड कनेक्शन है और पैसा नहीं भरने से फोन का वो कनेक्शन कट गया, तो हम एक मिनट भी नहीं जाया करते, क्योंकि हमारे मोबाइल के अलावा हम रह नहीं सकते। बात मोबाइल की नहीं है यहाँ पर, बात है कि जो भी चीज़ों की हमें आदत हो गई है हमारी लाइफ स्टाइल में, हम उन चीज़ों के बगैर एक सेकेंड के लिए भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम जिंदा है, क्योंकि हम जी रहे हैं। अगर ये जीना ही हमारा खत्म हो जाए, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी
छोटे से छोटा सिम्टम भी अगर आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में कुछ तो अलग है ऐसा आपको लगे, तो उसी वक्त आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि अभी इसी वक्त आपके जो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, और कोई भी सिम्टम जो कि अनवांटेड सिम्टम है आपके बॉडी का, अगर वो आपको महसूस होता है तो अभी के अभी क्लियर कीजिए कि वो सिम्टम क्या है, कहीं वो कैंसर तो नहीं। वेल, इसी के लिए डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर में है। कॉलिंग डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। डॉक्टर अनवर साहब, इससे पहले मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक जानने के लिए कि रिहाना जी का एग्जैक्टली क्या केस था और वो क्या कहानी है उनकी। मैंने जैसे बताया आपको कि हर एक कैंसर के पीछे एक कहानी होती है जी, कुछ ऐसा टर्मोइल होता है। इसके केस में भी एक सुनामी थी जी, और वो सुनामी का असर ये हुआ कि मतलब पूरा तूफान आ गया। और ये जो केस जो था, सबसे पहले जैसे उन्होंने बताया कि पहले उनको ब्लड कैंसर हुआ, जिसे हम कहते हैं CLL, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। उसकी वजह से उनको इफेक्ट हुआ लीवर, इसके स्प्लीन के ऊपर उनकी स्प्लीन बढ़ गई। तो ब्लड कैंसर पहले हुआ, स्प्लीन बढ़ गई, उनकी खून सूखने लगा, बेचैनी शिकायत जो बताया उन्होंने वो हुआ। तो पहले जाके उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, तो ऑपरेशन का सलाह दिया, उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद में उनके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे, ऑपरेशन तो हो गया लेकिन तकलीफें कम नहीं हुई जी, चलते रही, और वो तकलीफें की शिद्दत जो है एक साल बाद बहुत बढ़ गई। तो वो गए थे पेट के लिए कि भाई ये मुझे गैस हो रही है, ये हो रही है, ठीक नहीं हो रही, बेचैनी हो रही, खाना नहीं जा रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, खून सूख गया। इनकी उम्र तकरीबन 59-60 के आसपास में है जी। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। वापस से डॉक्टर ने जांच कराया तो कहा कि भाई पेट का तो मामला ठीक ठाक है इनका, लेकिन अभी आपको लेफ्ट साइड में लंग का कैंसर हो गया। अभी आपके लिए जो आप जो दूसरे अब जो उसके कैंसर की जो हॉस्पिटल्स है जो टॉप के जो उनमें जाइए, उनको दिखाइए, या म्यूनसिपलिटी में जाइए, या आप कुछ प्राइवेट में कराना है, जैसे आपको कराना है वापस से कराइए। तो ये इतना घबरा गई वो नाम से वापस से कि कैंसर के नाम से कि मतलब कि मैं भी हूँ कहने में क्या करूँ। हफ्तों तक कर होती रही, हफ्तों तक का मतलब नींद नहीं आई, उनको शिकायतें हुई, परेशानी हुई कि मैं तो नहीं कराऊंगी, मैं अभी पहले उससे गुजरी हूँ, अब मैं नहीं कराई हूँ। तो किसी ने हमारा मशवरा दिया, उसकी शिकायत यहाँ की तो कुछ थी नहीं, खांसी नहीं थी, दम नहीं था, खून फेंकने का जो शिकायत है वो नहीं थी, सांस की तकलीफ नहीं थी, लेकिन खून नहीं बन रहा था, एनीमिया था, वजन कम हो गया था, लॉस ऑफ वेट था, कब्जियत बरकरार थी उसको, पेट की शिकायत बरकरार वापस से आ गई थी। तो उसका जो रिपोर्ट जब कराया तो मालूम पड़ा कि वो ये भूत रह गया, अब चुड़ैल आ गई, ऐसा मामला हो गया। तो अभी उसके लिए उनको करने के लिए कहा गया, हमने इलाज शुरू किया, और शिकायत जो उनकी जो वेट बढ़ा, उनका जो खाने पीने का जो एपेटाइट बढ़ गई, उनकी जो पेट की शिकायत थी, गैस थी, वो कह गया, नींद भी अच्छी आने लगी उनको, जो कि उनकी बहुत पुरानी शिकायत थी जब से ये हुआ, वो सब ठीक होने के साथ में हमने बाद में 4 महीने के बाद में हमने फिर से CT स्कैन करवाया। CT स्कैन बिल्कुल साफ, क्या बात, नो साइन ऑफ कैंसर, पूरा ट्यूमर डिसॉल्व हो गया। वेल, डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि कैंसर जो ये डिटेक्ट होता है, इसकी टेस्ट होती है जिससे कैंसर है या नहीं ये हम जान सकते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि मानिए कोई एक्स नाम का टेस्ट है जो कि करवाया है ताकि कैंसर है या नहीं ये पता चल सके, और उसमें आया नेगेटिव, लेकिन फिर पता चलता है कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद कि नहीं कैंसर तो है। कई लोग कई टेस्ट करवाते हैं लेकिन रिजल्ट कभी पॉजिटिव भी आता है, कभी नेगेटिव भी, लेकिन होता उसके विपरीत है, उल्टा होता है, तो ये टेस्ट किस हद तक के सही है कैंसर के मामले में? देखिए, दो चीजें इसके अंदर, एक तो फॉल्ट इन द टेस्ट जी, और जो कर रहा है जी, उसका एक्यूमेन क्या है। मिसाल तौर के ऊपर अगर कोई बायोप्सी कर रहा है, समझे गांठ है यहाँ जी, ठीक है, हमने पहले FNAC कराया तो हमने उसकी सुई कहाँ डाली, वहीं से निकाला जी, हो सकता है FNAC में नहीं आए लेकिन कैंसर हो, क्योंकि वो हिस्से में नहीं था, नीचे वाले हिस्से में हो एक बार। ओके, तो हमने जहाँ पर कैंसर था वो नहीं देखा, वो मिस कर दिया, तो उसमें नेगेटिव आएगा। उसके बाद में एक होता है कि CT गाइडेड बायोप्सी है, कि CT के जरिए आप सुई डालकर वो टुकड़े के अंदर निकाल के वो करते हैं, या डायरेक्ट बायोप्सी निकाल के टुकड़ा निकालते हैं। एक तो होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, दूसरी होती बायोप्सी, कभी कभी उसमें भी नहीं होता है, फिर उसके बाद में आपको ट्रू कट बायोप्सी में जाना पड़ता है। तो ये कौन कर रहा है, कौन से एरिया में लीजन को ढूंढ के निकाला है, उसका एक्यूमेंट क्या है, इस पर डिपेंड है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कि कैंसर नहीं आया ये
रिपोर्ट में इसका मतलब कैंसर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्लिनिकल एविडेंस, क्लिनिकल सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, ये मैच होने चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, और इसी के साथ में मैं फिर से एक बार आपसे इजाजत चाहूंगी कि अगला जो कॉलर है हम उसे रिसीव कर सकें। जी बिल्कुल जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ एमपी। जी विवेक जी, अभी अगली आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर अनवर साहब की, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है विवेक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी फरमाइए। सर मेरा मुंह एकदम सफेद हो गया है अंदर से, और पूरा बीच में जगह जगह काले काले धब्बे से हैं। ओके। हाँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कैंसर के शिकार लोग बोलते रहते हैं। हाँ हाँ। तो क्या हो सकता है ये? देखिए कैंसर के कई लक्षण होते हैं। हाँ। और ये सफेद दाग अगर है तो आपको थोड़ा तशवीश के साथ लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, चूंकि ये जो एक ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, समझे कि नहीं, और जो कि मतलब शुरुआत हो सकती है इस बीमारी की, वाइट स्पॉट्स और ये ब्लैक स्पॉट्स भी जो आ रहे वो भी मतलब तीन चार साल हो गए। कितने साल हो गए? तीन चार साल से ऐसे ही है। तीन चार साल हो गए तो मेरा मशवरा है कि आपको अपने आप का एहतियात करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, सही तौर पे आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। साथ साथ में और कोई शिकायत है आपको? छाला दिख रहा है या मुंह नहीं खुल रहा है इस किस्म से? नहीं वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो आपको इस पे ट्रैक रखिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। पहले तो घबराइए नहीं। पहले घबराहट आपको दूर रखना है, क्योंकि अगर आप घबराहट में मुबतला होंगे तो आपकी शिकायत तकलीफ बढ़ जाएगी। सबसे पहला आपके मन को शांत रखिए, आपके जहन को शांत रखिए, और जो शिकायत है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसका कुछ उपचार कीजिए। भाई ये क्यों आ रहा है उसका जांच करवाइए। जांच ऐसा हो कि जो आपको फ्राइट ना पैदा करे। अच्छा मतलब? हाँ तो ये जो आपको अगर सफ़ेद दाग अगर आ रहे हैं तो अच्छा लक्षण नहीं है। आप बराबर से फॉलोअप कीजिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें आके दिखाइए, हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए, वो आपको इस ताल्लुक से आपको हेल्प करेंगे। बट डोंट टेक इट लाइटली। एंड दूसरी बात में डोंट गेट अफ्रेड, प्राइमरी बात खौफ नहीं और लाइट भी नहीं, दोनों आपको बैलेंस करके चलना है। अच्छा ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच विवेक जी। थैंक यू सर। डॉक्टर अनवर साहब, जो नॉलेज आप हमें देते हैं और जिस जिंदा दिली के साथ आप ये सारी बातें कहते हैं, वो वाकई में हम सभी लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहल जी, थैंक यू व्यूअर्स। मैं अगर आप लोगों के काम आ सकूं या मेरी जो बात से अगर आपकी बात समझ में आए, हो सकता है चेंज आएगा सोसाइटी में। वेल दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है आपसे करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात, वो ये है कि कैंसर वाकई में बीमारी तो बहुत गंभीर है, लेकिन जितनी गंभीर ये बीमारी है उससे भी गंभीर ये बात है कि इसके प्रति जुड़ा हुआ वो खौफ, वो डर, उसे हमें मात जरूर देनी है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार से कैंसर जैसी ये लाइलाज बीमारी दाखिल हो चुकी है तो बिना वक्त जाया करे आप तत्पर कॉल कीजिए डॉक्टर अनवर साहब को और संपर्क कीजिए उनसे और उनकी पूरी टीम से, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, ताकि वो आपको कैंसर को कैसे मात दी जा सकती है इसके बारे में बता सके। इसके लिए मौजूद है सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222300 4757, 0222300 5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। सो दोस्तों, मैं हूं स्नेहल राय, आपकी होस्ट और दोस्त। आज के लिए चाहूंगी आप सभी से इजाजत। दोबारा आपसे मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है कैंसर होप। उम्मीद अभी बाकी है। डॉक्टर अनवर साहब ने हम सभी में वो एक चिंगारी, वो एक जोश तो जगा ही दिया है कि कैंसर को कैसे मात दी जा सकती है। सो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ही तो सब कुछ है।